टिकट मिलने के बाद मुश्किल में फंस चुके हैं ये कांग्रेसी उम्मीदवार। टायर फूकने के केस में गुरुग्राम कोर्ट में पहले पेश हुए और भगोड़ा के केस में फिर जमानत मिली। तो बता दें कि हरियाणा में करनाल से कांग्रेसी उम्मीदवार लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा सोमवार में गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए। यहाँ बुद्धि राजा पर खिड़की टोला डोल के प्रदर्शन और टायर जलाने के आरोप लगे, जिसके बाद खिड़की डोला थाने में दिव्यांशु समेत 5 युवा कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धि राजा को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। इसके पहले बुद्धि राजा को पंचकूला कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। बुद्धि राजा पर यहाँ भगौड़े का केस था, जिसके सभी बुद्धि राजा को जमानत भी मिली। बता दें कि जाहिर सी बात है, जिसके बाद हरियाणा में जब इस उम्मीदवार को टिकट मिली है तो इसके बाद इनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो आगे चुनाव में क्या होगा इस पर भी हर एक की नज़र टिकी है। हरियाणा से टिकट मिलने के बाद मुश्किल में फंस चुके हैं ये कांग्रेसी उम्मीदवार। टायर फूकने के केस में गुरुग्राम कोर्ट में पहले पेश हुए और भगोड़ा के केस में फिर जमानत मिली। तो बता दें कि हरियाणा में करनाल से कांग्रेसी उम्मीदवार लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा सोमवार में गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए। यहाँ बुद्धि राजा पर खिड़की टोला डोल के प्रदर्शन और टायर जलाने के आरोप लगे, जिसके बाद खिड़की डोला थाने में दिव्यांशु समेत 5 युवा कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धि राजा को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। इसके पहले बुद्धि राजा को पंचकूला कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। बुद्धि राजा पर यहाँ भगौड़े का केस था, जिसके सभी बुद्धि राजा को जमानत भी मिली। बता दें कि जाहिर सी बात है, जिसके बाद हरियाणा में जब इस उम्मीदवार को टिकट मिली है तो इसके बाद इनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो आगे चुनाव में क्या होगा इस पर भी हर एक की नज़र टिकी है। हरियाणा से टिकट मिलने के बाद मुश्किल में फंस चुके हैं ये कांग्रेसी उम्मीदवार। टायर फूकने के केस में गुरुग्राम कोर्ट में पहले पेश हुए और भगोड़ा के केस में फिर जमानत मिली। तो बता दें कि हरियाणा में करनाल से कांग्रेसी उम्मीदवार लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा सोमवार में गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए। यहाँ बुद्धि राजा पर खिड़की टोला डोल के प्रदर्शन और टायर जलाने के आरोप लगे, जिसके बाद खिड़की डोला थाने में दिव्यांशु समेत 5 युवा कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धि राजा को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। इसके पहले बुद्धि राजा को पंचकूला कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। बुद्धि राजा पर यहाँ भगौड़े का केस था, जिसके सभी बुद्धि राजा को जमानत भी मिली। बता दें कि जाहिर सी बात है, जिसके बाद हरियाणा में जब इस उम्मीदवार को टिकट मिली है तो इसके बाद इनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो आगे चुनाव में क्या होगा इस पर भी हर एक की नज़र टिकी है।